हेलो आप सभी को। तो चलिए आज का नोटिस शुरू करते हैं। नोटिस देखने के लिए आप अपने स्क्रीन का 360 पिक्सल में रख लें, ठीक है, 360p में, तभी ये नोटिस आपको साफ साफ दिखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं ये पाकुड़ का जिला ग्रामीण विकास पाकुड़, ठीक है। तो देख सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत जिला प्रखंड स्तर पर गठित, ठीक है, पीओएमयू में नियुक्ति संबंधी सूचना। तो चलिए आगे देखते हैं, यह जिला और प्रखंड स्तरीय पर है। तो देख सकते हैं जिला स्तर पर पद का नाम प्रशिक्षण, ठीक है, जनरल के लिए है, अनारक्षित। तो देख सकते हैं योग्यता क्या होना चाहिए, ये पढ़ा लिखा का एजुकेशन वाला। तो देख सकते हैं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, ठीक है, पीजी होना चाहिए या फिर एमबीए होना चाहिए, पीजीडीएम होना चाहिए। तो ये सब है। अब चलते हैं लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर पे। तो ये भी है आपका जनरल लोग के लिए। अगर आप एसटीएससी में भी हैं तो जनरल में भर सकते हैं, और पिछड़ा वर्ग के भी हैं तो आप जनरल जनरल में भर सकते हैं। तो देख सकते हैं मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपका विश्वविद्यालय से कॉमर्स विषय में इंटरमीडिएट होना चाहिए, ठीक है, उत्तीर्ण, और साथ में आपका डिप्लोमा होना चाहिए जो डीसीए बोलते हैं आपको, ठीक है, 1 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए, ठीक है, तथा हिंदी और अंग्रेजी में टाइपिंग करना आना हो, ठीक है। वो इसी तरह देख सकते हैं पहला ला में जिला स्तर पद में पहला ला में भी है आपका 3 वर्ष का अनुभव चाहिए प्रशिक्षण में, ठीक है, प्रशिक्षण पद में 3 वर्ष का अनुभव। तो चलिए आप देखते हैं प्रखंड स्तर पर। तो देख सकते हैं ये प्रखंड स्तर पर है, आरक्षित बेसिस पे है, एसटी के लिए 2 है, ठीक है, तो ये टोटल कुल सीट है 2, ठीक है। तो इसमें योग्यता देख लेते हैं। चलिए तो मान्यता विश्वविद्यालय से देख सकते हैं कोऑपरेटिव मैनेजमेंट सोशल वर्क में स्नातक उत्तीर्ण, ठीक है, प्लस 1 वर्ष का अनुभव। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण एवं 1 वर्ष का अनुभव कार्य अनुभव, ठीक है। तो चलिए आप देखते हैं प्रखंड स्तर पर लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर। तो देख सकते हैं आरक्षित बेसिस पे है ये, एसटी के लिए 3, अनारक्षित के लिए 3 है, कुल मिला के 6 पोस्ट है, ठीक है, 6 पद है, ठीक है, मतलब 6 सीट खाली है। तो मान्यता देख सकते हैं क्या चाहिए, ये क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो देख लेते हैं, ठीक है, क्या चाहिए क्वालिफिकेशन है। चलिए देखते हैं मान्यता प्राप्त बोर्ड से या फिर विश्वविद्यालय से कॉमर्स में इंटरमीडिएट होना चाहिए, प्लस डीसीए, प्लस 6 माह का कम से कम अनुभव, और हिंदी अंग्रेजी में आना चाहिए, ठीक है, टाइपिंग करना। तो ये फॉर्म आप ऑनलाइन भर सकते हैं, ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं दिनांक 14/7/2016 के आलोक में उपरोक्त पदों पर पाकुड़ जिला के स्थानीय निवासी ही आवेदन के पात्र होंगे, ठीक है। तो मतलब कि ये जो पाकुड़ जिला के जितने कोई हैं वही सिर्फ भर सकते हैं, झारखंड के दूसरे जिला कोई भी नहीं भर सकते हैं। लेकिन आपसे विनती है कि अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं जॉब से रिलेटेड करंट अफेयर्स मंथली और टूरिस्ट प्लेस का ब्लॉग बनाता हूँ, जानकारी देता हूँ। तो मेरे चैनल में बने रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही घंटा दबाइए, घंटा दबाने बाद ऑल पे रखिएगा नोटिफिकेशन वाला घंटा, ठीक है, तभी मेरा वीडियो आप तक पहुंच पाएगा सही समय पर। तो ये आप पाकुड़ वाला फॉर्म, ये दिया हुआ साइट, ठीक है, https://apply.rdd, ठीक है, .jharkhand.gov.in पे जाके माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अंतिम तिथि देख सकते हैं 16/9/2019 तक है, ठीक है, ये फॉर्म भरना चालू 19/8/2019 से ही हो गया था, लेकिन मैंने बना नहीं पाया था ये, आपको तक मतलब पहुंचा नहीं पाया था ये
नोटिस, लेकिन अभी भी समय है, 16/9/2019 तक आप फॉर्म जमा कर सकते हैं। तो आज का यही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं आगे कुछ इसी तरह से, ठीक है।